नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। और बात करते हैं यस बैंक की, और यस बैंक का चार्ट जिस प्रकार मैं रीड कर रहा हूँ तो ये इसने एक धमाकेदार जोरदार पैटर्न बनाया है। और इस पैटर्न का अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की और बाद में बात करूँगा मैं पैटर्न की। अगर इस पैटर्न का ये ब्रेकआउट कर देता है तो ये जोरदार इसमें मूवमेंट आने की संभावना और बड़े बड़े बिग टारगेट फिर से आपको देता हुआ नजर आएगा। यस बैंक इसकी संभावना 90% की संभावना की बड़े बड़े टारगेट आपको जल्द ही, जिस प्रकार आपको मैंने पिछली बार 53.55 से आपको बताया था 65 के यहाँ पे टारगेट दिए थे और वो आपको 100% यहाँ पे रिटर्न मिला था। और इस बार भी मैंने जो व्हाट्सएप क्लाइंट है उनको मैंने 55 से होल्डिंग मैंने उसको गुरुवार के दिन ही मैंने 55 से होल्डिंग यहाँ पे करवा दी है। और यहाँ देख सकते हैं 100 रुपए का समथिंग ही आया है। हालांकि इसका सेल का अपना स्टॉप लॉस आया था फ्राइडे के दिन, क्योंकि एक कॉल अपना बाय का था और एक कॉल सेल का था, तो सेल का स्टॉप लॉस हिट किया क्योंकि बाय में चला गया था और बाय का टारगेट अपना इसमें आ गया था सुबह सुबह ही। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है कि क्या काम रहा क्या काम नहीं रहा। लेकिन यस बैंक का अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जोरदार इसने पैटर्न बना लिया है। और इसके सारे जो मैंने दो दिन मेरा वीडियो नहीं आया तो इसका मैं वही न्यूज़ का तो मैंने पता चल ही गया था, उसी दिन शाम को पता चल गया न्यूज़ का फंड राइजिंग का। लेकिन इसका मैं सारा बारीकी से रिसर्च कर रहा था, सारा मूविंग एवरेज और इसका जो ये है RSI, सारा जो इसका जो एक कहे ना कि RSI बिल्कुल एक अपने आप को मेंशन करता हुआ इसका वॉल्यूम देखे पॉजिटिव आ रहा है। और MACD जो लाइन है ना, MACD लाइन जो मैंने आपको बताया था जो नीचे गिरेगी वापस नीचे गिर के अभी उठ रही है, इसको क्रॉस आउट करने की ये कोशिश कर सकती है। जैसे क्रॉस आउट होगा तो ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम आ सकता है। और MACD का जो देखें सिग्नल, तो लगातार 5 दिन से MACD का जो सिग्नल है ना वो पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो ग्रीन बिल्डिंग MACD की है, नीचे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है MACD बिल्डिंग है, इसका मतलब ये इसमें स्ट्रेंथ आ रही है, इसमें स्ट्रेंथ आने की संभावना, क्योंकि स्ट्रेंथ इसमें आई है। आपको पता है जब भी पिछली बार भी 55 से 53 के बीच में आया था और इसमें स्ट्रेंथ आई थी, तभी से इसमें स्ट्रेंथ चालू है और लगातार 5 दिन से स्ट्रेंथ अभी भी बढ़ी हुई है। ये MACD की जो लाइन है, ये लाइन इसको क्रॉस करने की तैयारी में, जैसे इसमें क्रॉस करेगा ये जबरदस्त तरीके से मूवमेंट आने की संभावना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मूवमेंट कहाँ से आएगा और कब आएगा। देखो यस बैंक में ध्यान देंगे, यस बैंक अगर कल यस बैंक जो कल मालूम हॉलीडे है नहीं है मुझे पता नहीं है, अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है, कल अगर मार्केट ओपन रहता है, मंडे को मार्केट ओपन होता है या मंडे को नहीं होता, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है, जब भी मार्केट ओपन होगा और यस बैंक अगर 61 रुपये को ब्रेक करेगा, ध्यान देंगे पहला टारगेट इसका 65 होगा, पहला ही टारगेट इसका 65 होगा। लेकिन अगर 65 पॉइंट जो पिछली बार इसने बनाया था उसका 65.35 का हाई बनाया था, तो 65.50 को जैसे यस बैंक ब्रेक करेगा, यस बैंक ध्यान देंगे यस बैंक फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। 90% की संभावना कि यस बैंक 70 से जाके टकराएगा, 70 रुपये तक के टारगेट यस बैंक दिखा सकता है, क्योंकि इसकी ये रफ्तार है ना बहुत फास्ट गति से जाती हुई दिखाई देगी और ये 70 रुपये तक टकराता हुआ नजर आ सकता है। उसके पश्चात यस बैंक जो टकराएगा वो लगभग यस बैंक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है टकराने की इसकी कि लगभग ये 76-75 के लगभग यस बैंक टकराता हुआ नजर आ सकता है। उसके पश्चात यस बैंक आपको 90 रुपये तक के टारगेट दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, ये है शॉर्ट टर्म के। और यस बैंक ये तो कल की बात है, ये तो देखो 90 रुपये तक तो बात होगी, शॉर्ट टर्म की बात होगी। लेकिन यस बैंक में कल की बता रहा हूँ मैं, यस बैंक अगर 61 रुपये ब्रेक करता है तो 65 और 70 रुपये 70-75 रुपये तक के कल के टारगेट यस बैंक आपको दिखा सकता है, क्योंकि बड़ा फास्ट मूवमेंट इसमें होने की संभावना है, बिग वॉल्यूम और बिग वोलेटाइल और बहुत ही फास्ट गति से टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है यस बैंक। ये तो दोस्तों आपको मैंने बता दी यस बैंक के बारे में, बाकी दो को ये संभावना है 90% की, बाकी अपने आप एड बाजार की सलाह लेके इसमें पोजिशन आप बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पे अगर आप रिस्क लेते हैं तो जिम्मेदारी दोस्तों आपकी जो रिस्क होगा वो आपको खुद करेगा, यहाँ पे मैं इसमें संभावना बता रहा हूँ, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, संभावना बता रहा हूँ। तो आप अपने एडवाइजर की सलाह लेके इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। व्हाट्सएप क्लाइंट के लिए तो आपको मैंने अलग से बता ही दिया क्या करना है क्या नहीं करना, यस बैंक उनको मैंने पहले से होल्डिंग करवा दी है, 55 रुपये से होल्डिंग करवा दी है, ठीक है। इंट्राडे के लिए उनको मैं अलग से बताऊँगा, इंट्राडे के लिए वो यहाँ पे वेट करेंगे मेरा कॉल का, मैं 9 बजे बाद में कब भी कॉल दे सकता हूँ इंट्राडे के, जो वो इंतजार करेंगे। और बाकी जो आप यहाँ पे मैंने बता दिया इसको 61 को ब्रेक करने के बाद भी 65 और 70 रुपये तक ज़्यादा वो नजर यस में नजर आ सकता है, और 75 तक की भी टारगेट ये दिखाने की पॉसिबिलिटी कल की, लेकिन शॉर्ट टर्म में 90 तक की भी टारगेट बहुत फास्ट गति दिखा सकता है, ठीक है। यस बैंक की न्यूज़ के बारे में आपको मैं बता दूँ, यस बैंक की क्या न्यूज़ है क्या नहीं है आपको बता देता हूँ एक बार मैं। यस बैंक में क्या है कि पिछली बार जो QIP था ना, QIP तो उन QIP के जरिए जो
लोगों को शेयर बेचे गए थे, ठीक है। उस वजह से येस बैंक में यहाँ पे गिरावट आई थी। मैंने उस समय बता भी दिया था कि येस बैंक का क्यू आई पी के चक्रों में मत फंसो, ये QIP के चक्रों में फंस के और ये शेयर नीचे आ चुका है। क्योंकि येस बैंक ने शेयर बेचे थे तो जो येस बैंक शेयर बेच रहा था धड़ा देखो ये 270 मिलियन डॉलर, अरे 231 मिलियन डॉलर, देखो इतने इतने परसेंट शेयर इनको बेचे, इतने परसेंट शेयर इनको बेचे, इतने परसेंट इनको बेचे, इतने परसेंट इनको बेचे, मतलब इनको बेचे शेयर येस बैंक बेच रहा है तो बेचेगा तो ये फटाफट अपनी सेलिंग की थी तो सेलिंग करने के पश्चात येस बैंक का शेयर दबाव में आ गया क्योंकि ये बेच रहा है फटाफट बेच रहा है तो वो तो ये नीचे की प्राइस में खरीदने के लिए रहेंगे ना, तो वो तो खरीद रहे हैं और ये बेच रहा फटाफट इसलिए शेयर नीचे आ गया, ठीक है। QIP का जो न्यूज़ आई थी उस समय मैंने यहाँ पे कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया था, मैंने बताया दिया था QIP की ये नीचे जाने वाला है और 18 तक ब्रेक करने के पश्चात ही DHFL जैसी हालत होगी और ये 50 से आपको 55 के बीच में दिखाई देगा और देखो वो 50 से 55 बीच में आया। चलिए येस बैंक के लिए अब यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि देखो येस बैंक ने जो अपना जो कैपिटल है ना येस बैंक को बढ़ा रहा है, येस बैंक अपना कैपिटल जो बढ़ा रहा है 800 करोड़ से बढ़ाकर 1100 करोड़ का कैपिटल ये कर रहा है जिसके माध्यम से ये अब ये शेयर खरीदेगा। ध्यान देंगे ये शेयर खरीदेगा येस बैंक अब लगभग यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि 450 करोड़ शेयर के समथिंग ये और खरीदने की इसकी तैयारी है, तो ये शेयर खरीदेगा और 1100 करोड़ रुपये ये अब कैपिटल अपना बढ़ा रहा है उस वजह से इसमें एक बूस्टर इसको मिल सकता है तो ये भागने की तैयारी में है। चलिए ये तो हो गया येस बैंक के बारे में सारा मैंने बता दिया कि येस बैंक 61 रुपये को ब्रेक करेगा तो इसमें फास्ट जाएगा तो पहला टारगेट 65 होगा, दूसरा टारगेट 70 होगा, तीसरा टारगेट अपना 75 होगा और शॉर्ट टर्म के टारगेट 90 जो दिखाई देने की संभावना है। काम के बारे में अपन बात करते हैं कि यस बैंक में कल जो अपन फ्राइडे का जो काम हुआ था उसमें सिर्फ यस बैंक बात करते हैं यानी कि उसके यस बैंक एंड टुडे यस बैंक के स्टॉप लॉस के अलावा किसी भी यस बैंक सेल का स्टॉप लॉस के अलावा किसी भी कॉल का स्टॉप लॉस नहीं है। यस बैंक बाय का टारगेट 100% सक्सेसफुल, यस बैंक BPCL सेकंड टारगेट 100% सक्सेसफुल, कजारिया सेकंड टारगेट 100% सक्सेसफुल, हिंदुस्तान जिंक फर्स्ट टारगेट 100% सक्सेसफुल, ट्रेंड 100% सक्सेसफुल, यानी कि सारी जो कॉल दी थी उसमें यस बैंक का एक सेल का कॉल अपना स्टॉप लॉस आ गया था, वो स्टॉप लॉस ही आया था। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था कि मतलब कुछ हो सकता है कि न्यूज़ में कुछ पॉजिटिव आ जाए तो वो पॉजिटिव आ गया, इनका फंड राइजिंग उन्होंने बढ़ा दी। देखो यस बैंक बोर्ड मीटिंग में कोई न्यूज मार्केट टाइम आज उम्मीद आ गई होगी, शायद इसी वजह से सेल टेक्निकल चार्ट काम नहीं कर रहा क्योंकि सेल का जो टेक्निकल चार्ट यहाँ पे इसने सिग्नल दिया लेकिन वो न्यूज आ गए, न्यूज के बेस पे टेक्निकल चार्ट काम नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूज बेस पे शेयर टेक्निकल चार्ट को छोड़ देता है उसके बाद न्यूज के अनुसार भागता है, ठीक है। तो न्यूज आई नहीं थी वो, लेकिन वो अंदरूनी न्यूज चर्चा चल रही थी तो बड़े लोगों को पता चल जाता है, उस वजह से इसने सेल का टेक्निकल चार्ट सिग्नल देके उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन अपना जो बाय का टारगेट सारे टारगेट यानी कि यस बैंक का सिर्फ एक स्टॉप लॉस को छोड़ के सभी टारगेट यहाँ पे आए थे। ओके दोस्तों ये काम मैंने आपको आपको दिखा दिया है और ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ये कब अपनी कॉल गई थी, ये यस बैंक का बाय का सक्सेसफुल, उसके कजारिया का सेकंड टारगेट सक्सेसफुल जो आपको 10:07 पे दिया था, BPCL 10:15 पे सक्सेसफुल हुआ था टारगेट दिया था आपको, हिंदुस्तान जिंक का 10:22 पे कॉल दिया था सारा सक्सेसफुल हुआ था। उसके अलावा आपको बता दूँ मैं यहाँ पे ये और दिया था आपको ट्रेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉल आपको दी थी ट्रेंड का, ये 10:11:33 पे दी थी और 466 के टारगेट थे 470 से, तो दोनों टारगेट 100% सक्सेसफुल हुए थे। ओके दोस्तों तो आज आपका लिए कोई ज़्यादा लंबा मैंने वीडियो बनाया नहीं है, शॉर्टकट में आपको वीडियो बना दिया है। कुल मिला के बात यह है कि येस बैंक में ध्यान रखेंगे, येस बैंक यहाँ पे होल्डिंग के बेस पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इंट्राडे का बेस पर नहीं बता रहा हूँ मैं, ये होल्डिंग का बेस बता रहा हूँ और इंट्राडे का बेस पे तो आपको मैं उसमें बताऊँगा, कल मैं लाइव में आऊँगा और आपके लिए व्हाट्सअप कॉलिंग दे दूँगा। होल्डिंग बेस पे तो आपको मैंने बचपन से करवा ही दिया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक होल्डिंग नहीं ली तो 61 को ब्रेक करने के पश्चात 65 का टारगेट, 70 का टारगेट, 75 का टारगेट, उसके बाद में अगर 75 ब्रेक होता है ध्यान देंगे तो 90 का टारगेट बहुत फास्ट इसमें दिखाता हूँ नजर आ सकता है। ओके दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करके शेयर कीजिएगा, अच्छे लगे सब्सक्राइब नहीं दोस्तों अभी डालें, व्हाट्सअप के माध्यम से अभी तक आप जुड़ नहीं पाए तो इच्छुक जुड़ने के लिए तो इस नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, वहाँ भी आके जबरदस्त तरीके से बिग प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ओके दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। जरूरी बात दोस्तों यस बैंक के बारे में मैंने ये बताया कि कल जो होल्डिंग का पैसा है ना उसी पे काम करना है, इंटरडे का मार्जिन कोई उठा के काम नहीं करेगा यस बैंक में, जो भी यूट्यूब के क्लाइंट से व्हाट्सएप के क्लाइंट इंटरडे का मार्जिन उठा के काम कर सकते हैं, जो कि मैं खुद यहाँ पे आके काम करूँगा
सुबह सुबह जो भी काम होगा वो होल्डिंग बेस पे काम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो पैसा आपके पास 1 लाख और 1 लाख की जगह 20 लाख का माल उठा लेते हैं, उसके पश्चात जो एक्सेंस और जो NSBSE जो ऑपरेटर जो होते हैं पता चलता है, और FIDI की जो चाल जो होती है पता चलता है कौन कितने पैसे कहाँ लगा के बैठा है। तो आपके पास क्षमता तो 1 लाख की, और आपने माल उठा लिया 20 लाख का, तो वो नीचे आपकी पोजिशन काटने के लिए स्टॉप लॉस को हिट कर सकते हैं। इसलिए पैसा उतना ही लगा जितना आपके पास पैसा है, यानी कि आप उस पैसे को अगर कल वो नीचे भी मान लीजिए स्टॉप लॉस भी आता है तो आपका पैसा आप उसमें होल्डिंग में डाल सकते हैं। इसलिए सुबह सुबह की जो कॉल्स होगी वो आप होल्डिंग के बेस पे ही होगी कॉल्स। इंट्राडे का कब इसमें बेहतरीन जो सपोर्ट होगा इंट्राडे के लिए वो आपको मैं बता दूंगा। ओके दोस्तों, ये आपको जरूरी बात बतानी है कि ऐसा नहीं है कि आप उठपटांग तरीके से आप उसमें काम कर ले रहे इंट्राडे का, आप 1 लाख है 20 लाख का मार्जिन आप लेके बैठ जाएं, ये ऐसा आपको कतई नहीं करना है। तो ये आपको जरूरी है, इन्फॉर्मेशन आपको देना जरूरी था ऐसा कि आप ब्रेक हो गया, साहब एक शर्ट ब्रेक हो गया और आपके पास 1 लाख रुपए 1 लाख का मार्जिन आपको 20 लाख मिलता है, तो 20 लाख उठा के नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ वो 1 लाख की जगह आपको उसमें 50,000 लगाना है, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।